पर्दा होगा ना, पर्दे के बीच में कपूर कपूर बोल देंगे। यार अभी हम यहाँ पे आए थे शीशे का पता करने और वो दुकान ही बंद है। तो आप ही दिखोगे कोई बात नहीं, बस मुझे अच्छी सी मेहंदी आज मैं लगवाने वाली अपने हाथों में मेहंदी। वैसे आज मेहंदी रात में, मेहंदी तो है दो दिन के बाद, बट तो जिनसे मैंने मेहंदी लगानी है उनसे शबनम ने मेहंदी लगानी है, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा टाइम पहले ही लगवा लेती हूँ ताकि मेरे को भी अच्छी लग जाए, शबनम को भी अच्छी लग जाए। इसलिए अभी वो थोड़ा टाइम में मेरे घर पे आ रहे हैं मुझे मेहंदी लगवाने के लिए। चलो करते इस वीडियो की शुरुआत। रानी का नाम लेके जय माता दी। कुछ भी लगा दो पर अच्छी सी लगाना। पता है क्या, अभी मेरे को ना पीछे का हाथ पूरा भरा हुआ चाहिए, नहीं होता। हाँ तो फिर ये आगे इतना सिंपल सा, पीछे इतना भरा हुआ अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं बताऊँ, पीछे आप स्टाइलिश लगवा लीजिए, इससे आगे आप इस टाइप की लगवा लीजिए। मुझे यहाँ तक आता तक ठीक है, ये लगेगी यहाँ तक। यहाँ तक आप लगवा रहे हो इतने, तो आपकी फिर ब्राइडल लगोगे भैया। मेरे को शौक है यहाँ तक लगवाने का। ब्राइडल तो आप ही दिखोगे फिर। कोई बात नहीं, बस मुझे अच्छी सी मेहंदी लगा दो आप। चलो जैसे आपको मना वैसे लगा लो, मैं करवा चौथ पे लगवा लूंगी वैसे। तो हम पहले ये डिजाइन लगाएंगे एक हाथ पे, फिर दूसरा हम बाद में देखते हैं। तो यार ये अगला दिन, वैसे ना मेहंदी लगा ली थी और फिर मैंने क्या किया, मैं कहीं गई नहीं, मेरे को रात को जाना था, बट मैं स्कूटी खुद तो चला नहीं सकती थी, स्वीटी के पास स्कूटी थी नहीं, तो इसलिए मैं घर पे ही बैठी रही। फिर जब तक मेहंदी सूखती ना, अभी वैसे मैंने पूरी उतारी नहीं है, थोड़ी थोड़ी लगी हुई है, थोड़े टाइम में उतारती हूँ, पानी में हाथ नहीं घुसाया ना। इस बार मेरे को मेहंदी कुछ ज़्यादा ही डार्क लगी हुई है, ऐसे कभी मेरे को इतनी डार्क मेहंदी लगती नहीं है, हमेशा काली मतलब थोड़ी ब्राउनिश में होती है, थोड़ी ब्लैकिश में है। और अभी बस नवरात्रि थी तो मम्मी ने पूजा वगैरह कर दी है यहाँ पर, उसको देखना उठ गया अभी सुबह सुबह माता के दर्शन करने। ये देखो हमारे घर में माता रानी आई है, पूजा वगैरह तो ऐसे हो गई है। आई है अच्छी यार, दादा नहीं दिखाऊंगे। स्वेटर कहाँ है आपकी है? मैं हाथ नहीं लगाऊंगी ना उसको, मेहंदी नहीं लगी उस पर। मेरे हाथ में मेहंदी लगी उसमें, तू क्यों आया उठ के है? आज ना मैं इतनी जल्दी उठी, जल्दी उठी हूँ मैं, है चार बजे और उठा लिया था मेरे को, पहले मैं चार बजे उठी, फिर मैं छः बजे उठी, फिर छः बजे की उठी हूँ सबसे। गुरु महाराज स्वरूप सोच रहा कि ना मैं अपने पानी से मेहंदी निकाल देती हूँ एक बार। ये जब मैं चंडीगढ़ में वीडियोस बनाती हूँ तो मेरी शक्ल का जो कलर है वो कुछ अलग सा लगता है, मतलब थोड़ा डिफरेंट सा लगता है, बट जब यहाँ पे बनाती हूँ यहाँ पे मेरी शक्ल या फिर लाइटनिंग का सीन है, मैं भी ऐसा हो सकता है। ये सोच रहा कि मैं तो कहीं भाग रही हूँ अभी, सुबह सुबह भाग जाना मैंने गए थे ना, तो देख रहे जब सुबह के चार बजे से ये लड़का उठा हुआ और उस लड़के ने मुझे सोने नहीं दिया उसके बाद। क्या क्या चाहिए आपको, कुछ चाहिए, कुछ चीजी सी है। चलो अभी आपको ओरियो करतब करके दिखाएगा, आ जा बाहर आ जा, चलो वहाँ पे चलो, वहाँ चलो, ऐसे करते हैं। कितना समझदार है ये ना, तब तक नहीं खाएगा जब तक मैं इसको नहीं बोलूंगी, मेरी बेइज्जती नहीं कराना आप, ठीक है। कितना प्यारा है, इतना मासूम सा लग रहा है, नहीं खाएगा चल हेलो कर दे फिर खा ले। क्या देख रहा है तू ऐसे, और ये मम्मा से क्यों देख रहा है? चलो टेक कर लो, ले 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 ले। ना तूने हेलो किया, ना तूने कुछ किया, लग गया खाने। बाय। तो यहाँ मेरे को फोन आ गया, अब मैं जा रही हूँ, और मैं ना अपने यहाँ पे कपड़े नहीं लेके आई थी क्योंकि मुझे लगा गुन्नू यहीं पे है, और अब भाई के कपड़े डाल के फिर रही हूँ। वैसे मैं शबनम के घर आ गई थी और यहाँ पे अभी डेकोरेशन वगैरह चल रही हूँ, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी हम जा रहे हैं पलोड़ा। हाँ यार अपनी सेफ्टी है, कैसी लड़की है ये। अभी हम जा रहे हैं पलोड़ा क्योंकि हमको लेना है शीशा। शीशा क्यों लेना है बता? क्योंकि शीशा लेना है, उनका निकाह होगा फिर उसकी शक्लें देखेंगे। कबूल वो जब पर्दा होगा ना, पर्दे के बीच में कबूल कबूल बोल देंगे, शीशा इसलिए रखते हैं कि एज अ हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखेंगे उस टाइम। हाँ फिर अभी हम वो शीशा वाइफ हो चुके। हाँ अभी वो हम वो शीशा लेने जा रहे हैं। अभी इस दुकान पे आए थे शीशा लेने, बट इधर भी पे नहीं मिला।
यार अभी हम यहाँ पे आए थे शीशे का पता करने पीछे दुकान पे, और वो दुकान ही बंद है। अब देखते हैं क्या करेंगे। सब कुछ पता करने के बाद एंड में हम उसी दुकान पे जा रहे हैं जहाँ पे हम सबसे पहले गए थे। पहले हम गोल से चले रहे थे, वो मिला नहीं, तो अब हम रेक्टेंगल ही ले रहे हैं। तो ये शीशा हमने फाइनल के लेने के लिए, अब इसके डेकोरेशन के लिए जो सामान लेंगे वो भी लेने जा रहे हैं। तो यहाँ हमारा शीशा पैक हो गया, अभी हम घर जाके दिखाएंगे कि ठीक है या नहीं, नहीं तो एक्सचेंज करवाएंगे। और अभी हम ऐसे ही बनवाने आए हैं क्योंकि कल मेहंदी है ना, तो उसमें ये डालेंगे हम हाथ में, कितना सुंदर लगेगा। शाम को थोड़ी सुबह ही ले ले, दोपहर दोपहर में। उसकी मेहंदी कब स्टार्ट होनी है? कोई बात नहीं, इनका बजट कर लूंगी क्योंकि ये 400 किलो है। हां, ये सस्ता वाला फूल लगा लो, इतना महंगा लगाने की जरूरत नहीं। सस्ता वाला वाइट होता नहीं है, सस्ता वाला कहां से लगा। चलो यही लगा लो फिर, कोई बात नहीं, कल दिन को आके हम ले जाएंगे। दे प्लीज रखना। हां, डेकोरेशन के लिए देखने आए थे फूल वगैरह। कौन सा वाला? ये वाला, ये पॉट है पूरा। ये लेना पड़ेगा, मतलब पूरा लेना पड़ेगा। कितने का पड़ेगा पूरा? रेड फूल डिसाइड हो गया कौन सा लेंगे। अब लाल वाला देखते हैं, सॉरी वाइट वाला देखते हैं कौन सा लेंगे। थक गए यार। ले लिया हमने ये वाइट वाला यहाँ से, बड़े महंगे हैं यार ये। असली वाला फूल भी इतना महंगा नहीं मिलता, ये नकली इतना महंगा है। क्या कर रही है? अभी मैं आ गई हूँ यार घर पे। मैंने तो आपको मेहंदी दिखाई नहीं अपनी, क्या कैसा रंग आया। वैसे रंग तो बहुत ज्यादा अच्छा है, और वैसे मैं ना पहली बार मैंने ऐसा डिजाइन कुछ लगाया। वैसे मैं आगे भी ऐसे ही डिजाइन लगाती हूँ, पर भैया ने बोला ऐसा कुछ लगवा लो। आपको लगा था कि ऐसे सिर्फ दुल्हन वगैरह ही लगाती है, पर उन्होंने बोला नहीं लगा लो। तो मैंने बोला चलो आपका जो मन लगा दो, क्योंकि करवा चौथ भी आ रही है, फिर मैं वैसे ही लगवा लूंगी जैसा मेरा मन होगा। फिलहाल मैं जा रही हूँ नानी के घर पे, क्योंकि मुझे अपना सूट देना है मामी को, जो मैं कब से लेके आई हूँ, और मैंने अभी तक वो सूट दिया नहीं है मामी को। अभी बस जाऊंगी उनसे सूट सिलवा लेती हूँ। क्या कर रही तू? हेलो जल्दी बाय बोल दी तूने। ये रेस में जीत जाते हैं ना इसलिए। कौन है ये? मुझे मुझे ना दूल्हा मेहंदी मेहंदी आगी यार मैं नानी के घर से, और अभी मैं दिखाती हूँ जो सूट लेके आई हूँ वहाँ से, और ट्राई भी करती हूँ यार। फिर देखूँ मैं ये सूट कब डालूंगी, वो सूट कब डालूंगी, क्योंकि मेरे पास 3-4 सूट तो हो ही गए हैं। तो ये ड्रेस है जो मेरी मामी ने सिली हुई है, अभी मेरे लिए आई मैं डाल के ट्राई मार के देखती हूँ कैसी है।